Singe kabos kes boy na dasas kin ladan boy. Sala ducho na na ucho na dasam ningya te. Sala ducho na na ucho na dasam ningya te. Kiki so so la ya. Kiki so so la ya. Losta koncho sumlayo na to tik sum kute yo. Losta koncho sumlayo na to tik sum kute yo. Shina kote so na tik me na to ten sum chiam. Shina kote so na tik me na to ten sum chiam. Kiki so so la ya. Kiki so so la ya.
के डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर आप सभी को और आपके परिवार जनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस पावन और ऐतिहासिक अवसर पर मैं कर्नल शिवांग रिशन, महावीर चक्रबार, सेना मेडल, नायब सूबेदार शेरिंग मुत्तुप अशोक चक्र और कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र जो हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं, जैसे वीर योद्धाओं की कर्म भूमि पर आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसके पहले मैं आगे कुछ बात कहूं, मैं हमारे दोनों कर्नल ऑफ द रेजिमेंट साहब जनरल सुशील गुप्ता साहब ने आपको अभी बातचीत की, आपसे मुखर हुए, हमारे जनरल ग्रीवाल साहब भी आए हुए हैं, किसी कारणों से वो अभी यहाँ पर नहीं आ सके हैं, और तमाम वेटरन्स शामिल कमांडेंट्स, आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी तादाद में लद्दाख स्काउट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शरीक हुए, शामिल हुए। लद्दाख स्काउट स्वतंत्रता के बाद से लद्दाख का अभिन्न हिस्सा रहा है। 1948 में जब पाकिस्तान ने गिलगित को अपने अधीन किया और लद्दाख को खतरे में डाला गया, तब नूबरा, इंडस, श्योक घाटी के स्वयं सेवकों ने अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए आगे आकर नूबरा गार्ड्स का गठन किया। 1952 में नूबरा गार्ड्स की 7वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया में बदला गया और उसके बाद 2 मई 1959 में श्रीनगर में 14वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया का भी गठन हुआ। 1962 के युद्ध के दौरान दोनों मिलिशिया बटालियनों ने चीन सेनाओं के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। युद्ध के बाद 7वीं और 14वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया बटालियनों को एक ही इकाई में विलय कर दिया गया और 1 जून 1963 में लद्दाख स्काउट की स्थापना की गई। लद्दाख स्काउट ने अपने गठन के पश्चात बार बार अपनी वीरता का मिसाल पेश करके अपनी गौरवशाली पहचान बनाई है और कारगिल युद्ध के पश्चात भारतीय सेना की सबसे नई और अलंकृत इन्फेंट्री रेजिमेंट का दर्जा प्राप्त किया है। देखा जाए तो आज हम एक विशेष मुकाम पर पहुंचे हैं जो कि सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम रखती है। हिमालय श्रृंखला के सुंदर और कठिन भूभाग में लद्दाख स्काउट्स के एक अद्वितीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लद्दाख स्काउट लद्दाख के लोगों के लिए सुरक्षा, कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लद्दाख स्काउट्स का अभिन्न अंग है, ये लद्दाख का एक अभिन्न अंग है जिसको आप देखें, अगर हाल ही में एक दुखद हादसे में हमने एक वीर सरदार साहबान को खो दिया, उनके अंतिम संस्कार में पूरा लद्दाख उमड़ पड़ा और जिन्होंने भी ट्विटर या फेसबुक में देखा है वो पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था। यह लद्दाख स्काउट्स और लद्दाख के लोगों के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। इस वर्ष डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में किए गए समारोह के आयोजनों के दौरान आम नागरिकों और नागरिक प्रशासन द्वारा दिए गए अपार और अटूट समर्थन लद्दाख स्काउट्स के प्रति लद्दाख के निवासियों की आत्मीयता को दर्शाता है। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट ने लद्दाख क्षेत्र के दूर दराज के हिस्सों में विभिन्न सद्भावना शिविरों के आयोजन द्वारा कौशल विकास, शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य परियोजनाओं को सफलतापूर्वक किया है, पूरा किया है। लद्दाख स्काउट्स ने लद्दाख के लोगों के लिए हमेशा ही से तत्पर होकर काम किया है, चाहे वो आपदा नियंत्रण यानी कि HADR या लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना हो, दुर्गम क्षेत्रों को रोड के जरिए जोड़कर पर्यटन को नया आयाम देना, उसके साथ साथ इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया है, इसमें लद्दाख स्काउट का सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन दोनों बखूबी से उन्होंने अपना रोल निभाया है। लद्दाख स्काउट में भर्ती होना लद्दाखियों के लिए एक परंपरा और गौरव का प्रतीक है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी लद्दाख स्काउट के ऑफिसर्स, JCO जवान लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। इससे सबसे बड़ा हमें ये फायदा होता है कि हमें कभी भी नहीं रहता कि हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं, क्योंकि अपना ही व्यक्ति उस पार भी बैठा हुआ है, इसलिए हमारी जो मुश्किलें होती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझ जाती हैं। इस प्रकार ऑनरी कैप्टन शेरिंग मुत्तुप मैडम,
पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल बेस्ट स्टूडेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल आर एम बनोन मेडल।